हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले, और जी हाँ दोस्तों, यू कांट एक्सपेक्ट बिकॉज द मैन ऑफ एक्सक्यूजेस अपने इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच दैट इज इगोर स्टिमाच आ चुके हैं। उन्होंने पूरे दिन रात मेहनत की है ये एक्सक्यूजेस को इकट्ठा करने के लिए। एंड कल ही एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसमें बहुत सारे एक्सक्यूजेस आए थे जिससे ऊपर बात करेंगे। एंड इससे ये मालूम पड़ता है कि जो फ्रॉड इंसान की जो मेंटेलिटी है कि ये किस तरह से सोचता है उसके बारे में हमें मालूम करेगा। तो हम लोग बात करेंगे एक्सक्यूज मैन के बारे में। बाकी जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पर जी आर एस ओ, यहाँ पर आईएसएल में खाली जमल, जी हेलो सही, खाली जमल की जो बंदे की टीम है, चाहे कोई भी टीम हो, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 2-0 डाउन अवे मैच में मुंबई के साथ मुंबई फुटबॉल अरेना में कमबैक करके दिखाया है, 3-2 से हरा दिया यहाँ पर मुंबई सिटी को। व्हाट अ मैच इट वाज बिटवीन जमशेदपुर एंड मुंबई सिटी। ऑन द अदर यहाँ पर भाई, यहाँ पर आई लीग के बारे में बात करें बिकॉज टेबल टॉपर्स मोहम्मद एनएससी हार चुके यहाँ पर रियल कश्मीर से, वो भी 3-0। जी हाँ दोस्तों, इशफाक अहमद की रियल कश्मीर टीम जीत चुकी है 3-0 अगेंस्ट द टेबल टॉपर्स दैट इज मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब। जो बाकी के बारे में देखो, अपने इंडिया अंडर 19 जो वुमेन्स टीम है, बांग्लादेश से फिर से हर चुके हैं यहाँ पर 1-0 से, हम लोग हर चुके सैफ के आर्मी से, उसके बारे में बात करेंगे। एंड जो लास्ट टॉपिक है जो कि बात करेंगे हम लोग भाई, तजिकिस्तान फुटबॉल टीम को एकदम ग्रैंड सपोर्ट, क्या ग्रैंड वेलकम मिला है वो हीरोज लोग को। सो आइए बात करेंगे ये पांचों टॉपिक्स के ऊपर एंड लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। सो पहले बात करते हैं अपने एक्सक्यूज मैन के, द मैन ऑफ एक्सक्यूजेस इगोर स्टिमाच। जी आर एस ओ रिसेंटली एक इंटरव्यू या एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें बोला गया, उसने बोला कि यार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंडियन फुटबॉल को कि अच्छा करने के लिए इन द बिगर टूर्नामेंट, जब भी आपकी आईएसएल टीम्स आईएसएल जो क्लब है वो हर रही एक बांग्लादेशी क्लब से, तो अभी इसका क्या हो, ये मैं क्या अर्थ निकालूं मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। तो वो बंदा बोल रहा है कि नेशनल टीम का जो परफॉर्मेंस है ना वो डिपेंड करता है आईएसएल क्लब्स कैसे करती है। तो वो बोल रहा है कि देखो, मोहन बगान और ओडिशा दोनों हर गई इफ आई एम नॉट रॉन्ग बांग्लादेशी क्लब्स जो कि है बसुंधरा किंग्स, तो इसलिए भाई अपने इंडियन टीम है ना, इंडियन फुटबॉल टीम जो है ना एशिया कप में अच्छे से नहीं कर पाए और तीनों के तीनों मैचेस हार गए। तो देख रहा हूं मेंटेलिटी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेंटेलिटी देख रहा हूं अपने बंदे का, ऐसा कोच है अपने पास, ठीक है, ऐसा कोच है अपने पास। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि अपने पास जीपीएस इक्विपमेंट नहीं था, वो जीपीएस इक्विपमेंट रहता है विच इज अराउंड 45 लाख, तो वो नहीं था। अभी वो क्यों नहीं था, बिकॉज आपकी गलती थी, ठीक है, आप लोगों ने एयरपोर्ट या तो फ्लाइट में आपने मिस कर दिया था एंड उसके बाद उन्होंने आएगी आप लोगों ने बाय भी किया था। तो ये मेरे को नहीं समझ में कि वो बोल रहे कि जीपीएस नहीं था तो इसलिए हम लोग को बहुत डिफिकल्टी हुई कि हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। एक और चीज बात है यहाँ पर, उसने बोला कि हमारे मेन प्लेयर्स नहीं थे, जिक्सन सिंह नहीं था, सहल भी थोड़ा इंजर्ड था, आशिक कुरियन नहीं था, अनवर अली नहीं था, इसलिए हमारा जो टीम का स्टेबिलिटी है ना वो थोड़ा बिगड़ गया था, ठीक है, वो बिगड़ गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला उन्होंने AIFF, जो AIFF का जो मीटिंग था, ठीक है, AIFF ने AIFF और इगोर स्टिमाच के बीच में मीटिंग कुछ हुई नहीं थी आफ्टर द सैफ विन, ठीक है। तो सैफ के बाद से इगोर स्टिमाच अपने AIFF के जो टॉप मेंबर्स है उनकी मीटिंग हुई नहीं थी। तो मतलब तुम लोग एक फुटबॉल फेडरेशन में काम कर रहे हैं, ये तुम्हारा बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि तुम्हारा जो भी है ना पागल गंती है या तो बकचोदी है वो साइड में रखो एंड वर्क फॉर इंडियन फुटबॉल टीम, इंडियन फुटबॉल के लिए काम कीजिए। अपने जो नखरे है ना, लड़की के नखरे कि भाई मैं उससे बात नहीं कर रही, मैं उससे ये नहीं, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा बिकॉज ये आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग के लिए आपका जो मैटर या जो फाइट है वो बाद में आता है एंड आप लोग के लिए जो फर्स्ट है इंडियन फुटबॉल प्रायोरिटी है, दैट्स इट, इसके ऊपर काम करो। बाकी आपके जो लड़की के नखरे है, मैं इससे बात नहीं कर रही हूं, उससे बात नहीं कर रहा, ये सब यहां पर नहीं चले प्लीज, ये सब यहां पर नहीं चलेगा, ये आपका पर्सनल लाइफ है, उसको बाहर में डालो, पहले इंडियन फुटबॉल के काम करो जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सब बोले। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज बोली कि जिसे ये मैं एक ये एक सेंटेंस है जो उससे मैं ये करता हूं, तो उसने बोला कि देखो यू कांट एक्सपेक्ट इंडियन फुटबॉल टू डू गुड, ठीक है, टू डू गुड इन द एशिया का जब भी आपके पास अंडर 19, अंडर 20, अंडर 23 टीम्स नहीं है, ठीक है, अग्री, चलो ठीक है, अग्री मालूम है भाई, लेकिन 5 साल के, ठीक है, इगोर स्टिमाच के 5 साल थे, ठीक है, वो 2019 में आता, उसको बोला गया था कि ले टीम, देखो टीम डेवलप करनी है एंड 5 साल में अपना AFC एशियन कप है तो वहां पर अपने को प्रिपेयर करना है, ठीक है, 5 साल थे अपने पास, चलो ठीक है, 1 या 2 साल देखो बोलते हैं परखने के लिए मालूम पड़ गया, तो तू कंफर्टेबल हो जाए इंडिया में, ठीक है। तो ये 5 साल में आपने क्या किया, आपने क्या किया मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं, नेशनल टीम के साथ रहा, ठीक है, 1 महीने पहले आ जाता था प्रिपरेशन वगैरह ना, प्रिपरेशन के नाम पे ना फालतू बनाता था, लोगों को पागल बनाता था एंड आपने जो मेन प्लेयर्स है जैसे कि जिंगन, चैत्री सर, ये गुरप्रीत सिंह सांडू, ये जो बाकी के जो मेन प्लेयर्स है ना, इनके बलबूते पे ये सैफ की नादान कंट्रीज को हराता था और फिर ऐसे ऐसा डांस करता था, ये ऐसे ऐसा डांस करता था, तो ऐसी बात की है इसने, ठीक है। तो देर पांच साल थे तो एटलीस्ट चलो ठीक है, नहीं मानती AIFF पागल है, चलो जान दो, एटलीस्ट तू तो कुछ कर सकता था, एटलीस्ट तू तो कुछ सजेशन दे सकता था यहाँ पर AIFF को। मुझे पता है AIFF बेवकूफ है,
वो गधे लोग हैं, वो लोग भी नहीं मानेंगे, उनके ऊपर भरोसा भी नहीं है। एटलीस्ट तू तो कुछ कर सकता था, तेरा कुछ तो तेरा कुछ बोल सकता था AIFF को, तो ये सब फालतूगिरी की है। एंड मेरे को तो भाई सच में पसंद नहीं है बंदा, ठीक है, मैन ऑफ एक्सक्यूजेस। मैं बोल रहा हूँ भाई, चले जा तू यहाँ से, चले जा इंडिया कंट्री में, और बकचोदी फैला मत और गंदगी फैला मत। देखो जो भी गंदगी फैलानी वो क्रोएशिया में जाके फैला, इधर मत फैला प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। आई एम डन भाई, आई एम डन ऑफ दिस शिट भाई, सच बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करें थोड़ा अपने मैचेस के बारे में, ISL मैचेस भाई, जमशेदपुर एंड मुंबई सिटी। मुंबई सिटी का मुझे एक बहुत पॉजिटिव लगा जो मैंने हाइलाइट्स देखा भाई, चांगडे चांगडे वाज एवरीवेयर, चाहे वो शॉट ले रहा है, चाहे वो असिस्ट दिया उसने अल्बर्ट नागवेरा को, वो फ्री किक ले रहा था, तो चांगडे का जो गेम प्ले था वो बहुत मजा आया, उसको देख के बहुत अच्छा लगा। एंड आई कैन बोलते ये फॉर्म में रिदम पकड़ रहा था, हाँ भले ही मैच हार गए बट वो एक फॉर्म में रिदम पकड़ रहा था। एक और अच्छी बात है यहाँ पर, आयुष शिकारा वो स्टार्टिंग एज अ नंबर 9, वो स्टार्टिंग एज अ फॉरवर्ड, तो वो एक अच्छा था। एंड मुंबई का स्टार्ट एकदम अच्छा हुआ, फर्स्ट हाफ में दे वर लीडिंग 2-0 थैंक्स टू द गोल्स बाय तीरी एंड नागवेरा, तो फर्स्ट हाफ तो अच्छा था। बट सेकंड हाफ में भाई खालिद जमैल भाई, मैंने पहले बोला ये बंदे को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, खालिद जमैल। एंड बोलते ना कि ऐसा सब होता ना, सीना चौड़ा हो जाता, सीना चौड़ा जाता, क्यों? क्योंकि अपना इंडियन कोच है, ये इंडियन कोच ने करके दिखाया भाई, मैं बहुत मजा आ गया। 3-2 अगर आप बात करोगे, जो पहला गोल आता है वो खतरनाक गोल था, मतलब लाचेन बाग का अच्छा सेव था, बट डेन फिरवान में इमरान खान के 2 मैच में 2 गोल्स हो चुके हैं, व्हाट अ गुड स्टार्ट। अच्छी बात है कि फिर से रिदम में आ रहा है। जो सेकंड गोल था जिसमें सनन का मुझे कंपोजर अच्छा लगा, उसने शॉट लेने की कोशिश नहीं की, उसने पास देखा, एक अच्छा डमी था आई गेस वैल्यू का। एंड मंजोर ने मस्त फिनिश किया, एंड देन पेनल्टी मिलती है अपने मेहताब भाई, मेहताब ने पेनल्टी दे दिया, एंड मंजोर ने वो पेनल्टी कन्वर्ट करके कम बैक कर दिया। और अभी देखो जमशेदपुर ने जो ऊंची छलांग मारी, आई गेस वो 10वें या 11वें स्थान पे थे, ऊंची छलांग मार के वो छठवें स्थान पे आ चुके विद 13 पॉइंट्स। क्या मजा आ गया भाई ये मैच के बारे में। जो बात करेंगे आई लीग, जी हाँ दोस्तों, आई लीग में सबको लग रहा था कि मोहम्मदन एसी है ना जीत जाएगी, ठीक है इजी पाथवे है, नहीं भाई, एक रियल कश्मीर ने बोला इतने आसानी से तो आपको जीतने नहीं देंगे, थोड़े बीच में बकचोदी तो मैं करूंगा, और कर दी बकचोदी 3-0 से। और अगर आप बात करोगे राइवलरी, आप जरा ट्विटर पे देखना डाल के देखना, तो भाई राइवलरी तो गांव में लफड़ा हो रहा था, फुल गांव में लफड़ा हो रहा था। और रियल कश्मीर जो कोच है इशफाक अहमद, तो उन्होंने यहाँ पर हरा दिया है 3-0 से इनको, मुंबई स्पोर्टिंग क्लब को, और ये दिखाता है कि इट्स नॉट दैट इजी, चाहे वो आई लीग हो, चाहे वो ISL हो, कौन से भी लीग हो, आप ऐसी रन अवे नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल यू आर PSG और बायर्न म्यूनिख, तो नहीं भाई होता है, डिफिकल्टीज आएगी ही, और यहाँ पर एक सेटबैक है। चलो देखते हैं कि मोबाइल स्पोर्टिंग क्लब कैसे आप उससे कैसे कम बैक करते हैं। बढ़िया, एक न्यू राइवलरी तो भाई बोल, जैसे अफवाह आ रही, न्यू राइवलरी हैज बीन अनलॉक्ड, यस। तो बात करेंगे अभी अपनी छोरियों के बारे में, छोरियों के बारे में क्या ही बोलूं, देखो अपनी छोरियों के बाद एक मौका होता है सैफ में खेलने का, उसके अलावा तो कोई मौका होता नहीं है। एंड लास्ट टाइम अंडर 17 में जो थे, अंडर 17 में वो लोग हार गए थे बांग्लादेश के साथ हार गए थे, एक ड्यू टू द अनगोल, जहां पर रशिया भी थी तो वो तो हार गए थे। अभी अंडर 19 में यस अंडर 17 के ऑलमोस्ट प्लेयर थे, बिकॉज हमारी भी जो शिवानी देवी है, मुझे एक ही पता है शिवानी देवी वॉज देयर इन अंडर 17, तो वो भी अंडर 19 में है। और विद द लेट गोल 90+2 या 90+4 ने 4 में बांग्लादेश ने गोल मारा, एंड विद दैट हार्ट ब्रेक हो चुका था हमारा, और इंडिया हार गई है बांग्लादेश के साथ। तो अभी ऐसा टाइम आ रहा है, मैं तो बोलता हूं लड़की छोरियो है, ध्यान दो, लड़की लोग है तो मैं उनको ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, मैं तो बोलता है अपना जो टीम है ईगोस ने मैच, ये लोग अपने हारने चाहिए, अपनी टीम हारनी चाहिए, अपनी मेंस टीम हारनी चाहिए बांग्लादेशी की मेंस टीम के साथ, तभी मालूम पड़ेगा, तभी ये ना गधे लोग को अक्कल आएगा कि भाई कुछ ना कुछ करना है, अदरस तो कुछ अक्कल नहीं आना। मैं तो बोलता हूँ सैफ की कंट्री जितना हो सके अपने से आगे चले जाए, तब हम लोग को अक्कल आएगा, ये अपनी जो सरकार है गधे लोग उनको अक्कल आएगा, सच बता रहा, वरना तो हमारा कुछ नहीं होने वाला भाई। तो गाइस लास्ट जो टॉपिक है यहाँ पर तजिकिस्तान के बारे में, वेलकम जी आर दोस्तों, पहली बार ये AFC एशियन कप में खेल रहे थे, पहली बार राउंड ऑफ 16 में गए, एंड वो राउंड ऑफ 16 जीता या फिर UAE को बाहर किया था। एंड भाई हीरोज वेलकम भाई, जब भी वो लोग एयरपोर्ट में पहुंचे एकदम हीरोज वेलकम उनको मिला, खतरनाक वेलकम है ना, ऑब्वियसली भाई आप नेशनल टीम के हीरोज है, बिकॉज यू हैव डन समथिंग इनक्रेडिबल जिससे कोई आपको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, तो भाई खतरनाक किया, एंड हीरोज वेलकम, क्या पता अपना कब ऐसी बारी आएगी, अपना तो क्या ही बोलूं अभी मैं, क्या कर सकते हैं, बढ़िया सी तजिकिस्तान, हैट्स ऑफ भाई, यू हैव बीन डिजर्विंग, और बताया कि भाई ऐसे भी आप कर सकते हो, चाहे पैसे हो ना हो, आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, अगर दिल से चाह है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ वाली वीडियो खत्म होती है, आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके क्या तौर से आप क्या सोचते हो ये 5 टॉपिक्स के ऊपर जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।